subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 14 में धमाकेदार एंट्री करने वाली राखी सावंत लगातार ही दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। उनकी वजह से बिग बॉस सीजन 14 की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा भी हुआ है। राखी को इंडस्ट्री की मुंहफट अदाकारा के रूप में जाना जाता है और बिग बॉस सीजन 14 के माध्यम से वो इन सबको साबित भी कर रही हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 में हिस्सा लेने वाली राखी की लव लाइफ काफ़ी समय से चर्चाओं का विषय बनी रही। राखी ने कुछ टाइम पहले ही ये खुलासा किया था कि उन्होंने एक NRI व्यक्ति से शादी की, लेकिन उनकी शादी की तस्वीरें आज तक किसी के सामने नहीं आई। शो के दौरान राखी ने ये भी कहा था कि वो चाहती हैं कि उनके पति उनसे मिलने के लिए आए। वहीं आपको बता दें कि राखी की दिली ख्वाहिश सुनने के बाद पति रितेश ने मीडिया से बात की और इस बात पर खुशी जताई है कि उनकी पत्नी अच्छा गेम खेल रही है। राखी के पति ने हाल ही में बातचीत के दौरान कहा कि वो बिग बॉस के घर में जाकर अपना रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। रितेश ने इस बात का खुलासा भी किया है कि वो अगले साल तक फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं। रितेश ने कहा, जी हाँ, अगले साल तक हम माता पिता बनने की सोच रहे हैं। कोविड की वजह से इस साल हम नहीं मिल पाए, लेकिन अगले साल तक हम अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी जीतकर घर आए। मैं जानता हूँ कि उसमें विजेता बनने की क्षमता है, उसे ये शो जीतना ही चाहिए। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि रितेश ये कह रहे हैं कि भाई साल 2021 में माँ बन सकती है राखी सावंत, वो माँ बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.